ज्ञात करना जिसकी प्रमाणता और अंतःखंड जिसकी प्रमाणता जिसकी प्रमाणता था वायक छपर जिसकी प्रमाणता जिसकी प्रमाणता प्रमाणता अंतःखंड दिया हो कल हमने सरल रेखा के समीकरण का अध्ययन किया है, उसमें x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, साथ ही दो बिंदुओं की बीच की दूरी की प्रवणता एवं किसी बिंदु से होकर जाने पर उस रेखा का समीकरण क्या होता है, ये ज्ञात किया। आज हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिनकी प्रवणता एवं y अक्ष पर अंतःखंड दिया हो, है ना। इसके लिए हम रेखा चित्र बनाएंगे। x अक्ष x डैश अक्ष 0, एक रेखा AB है, माना AB एक अभीष्ट रेखा है जो y अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बना रही है। यहां पर हमने एक बिंदु P लिया, P C N M O ये चित्र का उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी प्रवणता एवं y अक्ष पर अंतःखंड दिया हो। उस रेखा चित्र इस तरह से बनेगा। माना कि रेखा AB एक रेखा है, सरल रेखा है, जो x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, m इक्वल टेन अल्फा, m इक्वल टेन अल्फा। इस रेखा पर हमने एक बिंदु ले लिया P, जिसके निर्देशांक है h के। P से हमने x अक्ष पर लंब PM डाला एवं C बिंदु जहाँ पर y अक्ष को ये रेखा AB प्रतिच्छेद करती है ना, उसको उससे हमने इस रेखा PN पर एक लंब डाला हमने N। अंतःखंड रेखा, इस अंतःखंड रेखा y अक्ष को जिस अंतःखंड पर काट रहा है उसकी लंबाई हमने मान लिया C, OC C एवं OC इक्वल C। हम देखते हैं कि CN रेखा OX के समानांतर है, इस रेखा के समानांतर है, अतः यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ पर भी बनेगा अल्फा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बी ए बी एक्स इक्वल अल्फा बराबर कोण पी सी एन, कोण अल्फा होगा। त्रिभुज पी सी एन में, पी सी एन में त्रिभुज पी सी एन समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कोण अल्फा है, तो ये सम्मुख भुजा हो गई,
दिस इज हाइपोटेनियस कर्ण, दिस इज बेस आधार। समकोण त्रिभुज में अब हम देखते हैं PN, PM, PM इक्वल K या K इक्वल PM या K इक्वल PM, K इक्वल PM, PM दो भागों से मिलकर बनी हुई है, MN धन PN, PN धन MN, MN इक्वल है ओशिक, तो हम इसको लिखेंगे PN धन ओशी, क्योंकि MN इक्वल ओशी, K इक्वल PN इक्वल ओशी। ओशी की लंबाई हमने अंतःखंड काटे गए अंतःखंड की लंबाई माना है C, तो PN इक्वल C। समीकरण पहला, PN का मान हम इस त्रिभुज PCN से ज्ञात करेंगे। त्रिभुज PNC में tan अल्फा बराबर PN लंब बटा आधार, PN बटा CN इक्वल tan अल्फा, विच इंप्लाइज दैट PN इक्वल CN tan अल्फा। त्रिक गुना करेंगे PN इक्वल CN tan अल्फा, CN अल्फा इक्वल देन OM, OM tan अल्फा, OM इक्वल CN। Hence, PN equal OM, OM means H, ये लंबाई H है, तो this is H, H tan alpha, H tan alpha, PN का मान H tan alpha, PN equal H tan alpha, समीकरण K equal PN धन C में PN का मान रखने पर K इक्वल H tan अल्फा प्लस C, ये P बिंदु के लिए रेखा का समीकरण है, अतः P बिंदु का बिंदुपथ का समीकरण अर्थात AB रेखा का समीकरण, उसके लिए H और K को X और Y में हम रिप्लेस करेंगे। Hence, X Y इक्वल X tan अल्फा को किस में रिप्लेस हो जाएगा, M, M प्लस C, हम इसको और लिख लेंगे Y इक्वल एम एक्स प्लस C, ये उस रेखा का समीकरण है जो M प्रवणता X अक्ष से बना रहा है और जो Y अक्ष में C अंतःखंड काटता है, तो ये उस रेखा का समीकरण है जो C अंतःखंड काट रहे हैं और X अक्ष से tan अल्फा अल्फा कोण बनाता है या M इक्वल tan अल्फा।
अब इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है मतलब c इक्वल 3 और x अक्ष से अल्फा 135 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो y अक्ष से 3 अंतःखंड काट रही है और 135 डिग्री का कोण बना रही है। y अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काट रही है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो दोनों पक्षों में tan लेंगे यहाँ पर, तो tan अल्फा इक्वल tan 135 डिग्री, तो m इक्वल tan 135 का मान होता है -1, है ना, c गिवन है, दिया है C इक्वल 3, समीकरण y इक्वल mx प्लस c में m एवं c का मान रखने पर y इक्वल -1 इंटू एक्स प्लस 3, तो y माइनस एक्स प्लस 3, एक्स को पक्षांतर करेंगे तो x प्लस y इक्वल 3। ये उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। अब एक और प्रश्न हल करेंगे। यदि रेखाएं रेखाएं 7x माइनस 5y इक्वल 12, 7x माइनस 5y इक्वल 12 एंड तथा 5x प्लस py इक्वल 4 एक दूसरे पर लंबवत हो तो p की वैल्यू फाइंड कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी गई है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो P का मान ज्ञात करना है। हल दिया गया समीकरण 7x माइनस 5y इक्वल 12 समीकरण 1, 5x प्लस py
4 करण सेकंड। उपर्युक्त समीकरण को उपर्युक्त समीकरणों को करणों को y इक्वल mx प्लस c के रूप में लिखने पर समीकरण एक को लिखेंगे, समीकरण एक को इस रूप में लिखेंगे, समीकरण एक को लिखने से क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वाई इक्वल माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव वाई, इधर गया माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस वन से बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ द साइड माइनस वन, तो दिस इज फाइव वाई इक्वल सेवन एक्स माइनस ट्वेल्व एंड वाई इक्वल सेवन अपॉन फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव। देन एम वन इस रेखा की प्रवणता, दिस इज एम वन, एम वन इज ए सेवन अपॉन फाइव, ए वन इक्वल सेवन अपॉन फाइव। अब हम दूसरे समीकरण को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखकर m2 का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण दो से, समीकरण दो को, समीकरण दो को y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर पी वाई इक्वल फाइव एक्स पक्षांतर हो जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एंड वाई इक्वल माइनस फाइव अपॉन पी एक्स प्लस फोर अपॉन पी, ये पी नीचे आ गया दोनों के, तो यहाँ पर दिस पार्ट इज एम टू, इस रेखा का प्रवणता एम टू हो तो दिस इज एम टू, तो हमें एम वन एवं एम टू माइनस फाइव अपॉन पी, एम वन सेवन अपॉन फाइव। कंडीशन है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, लंबवत होने के लिए प्रवणताएं का गुणनफल माइनस एक होगा। दो रेखाएं यदि लंबवत हैं तो उनकी टेंजेंट ग्रेडियंट का गुणनफल माइनस वन होता है, इसलिए एम वन इंटू एम टू माइनस वन। एम वन एम टू का मान समीकरण में रखने पर एम वन एम टू का मान रखने पर सेवन अपॉन फाइव इंटू माइनस फाइव अपॉन पी इक्वल माइनस वन, विच इज दैट माइनस सेवन इंटू फाइव अपॉन फाइव इंटू पी इक्वल माइनस वन। नाउ हियर फाइव एंड फाइव कैंसल,
दिस इज माइनस सेवन अपॉन पी इक्वल माइनस वन, देन माइनस पी इक्वल माइनस सेवन, हेंस पी इक्वल सेवन। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो पी की वैल्यू होगा माइनस सॉरी सेवन। अब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो अक्षों से दिए हुए अंतःखंड काटती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो दिए हुए अक्षों को उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों से दिए हुए अंतःखंड काटती है, ये हमारा दूसरा डेरिवेशन है। अब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो दिए हुए अक्षों को दिए हुए अंतःखंड काटती है। इसके लिए हम रेखा चित्र बना लेंगे। ये एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश ओ मूल बिंदु, दिस इज वाई वाई डैश वाई अक्ष, एक रेखा ए बी जो एक्स अक्ष को ए पर प्रतिच्छेद कर रही है और y अक्ष को b पर प्रतिच्छेद करती है, और a के निर्देशांक ये a OA की दूरी a है, a अंतःखंड काट रही है और ये दूरी b अंतःखंड काट रही है, अतः a के निर्देशांक हो गए a जीरो, b के निर्देशांक हो गए जीरो b। हमने इस रेखा पर एक चर बिंदु P मान लिया, P हमने एक चर बिंदु P H के मान लिया, P H के मान लिया। P से इस X अक्ष पर हमने एक लंब M, P से इस अक्ष पर लंब M M डाला, इस तरह से PM इक्वल K एवं OM इक्वल H तथा OA इक्वल A, OB इक्वल B, इसकी लंबाई कितनी है B। त्रिभुज AOB, यहाँ पर दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रही है, एक तो त्रिभुज ये है AOB, दूसरा त्रिभुज AMP, दो त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए एम पी पी ए एम पी, दोनों त्रिभुज
समरूप है अतः इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। दोनों त्रिभुज समरूप है अतः भुजाएं अनुपातिक होंगी, अतः समरूप त्रिभुज होने के कारण भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसलिए PM बटा OB एंड AM बटा OA, इसलिए PM बटा OB एंड AM बटा OA, ये त्रिभुज समरूपता के कारण प्राप्त हुई है। PM बटा OB और AM बटा OB मान रखेंगे PM इक्वल K बटा B इक्वल AM AM बटा OA, AM की दूरी अपने को अभी मालूम नहीं है, हमको OA की दूरी ज्ञात है, तो OA इक्वल A, इसे हम इस तरह से लिखेंगे K अपॉन B इक्वल AM OA माइनस OM बटा A, AM की डिस्टेंस OA की डिस्टेंस में OM की डिस्टेंस माइनस करने पर हमें AM की डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी, अतः K बटा B बराबर OA माइनस OM, तो ये हो जाएगा A माइनस OM की डिस्टेंस H बटा A माइनस A, दिस इज K अपॉन B। इसको और सॉल्व करेंगे अपन, मिलेगा A विच इज K अपॉन B, इसको अलग अलग कर लेंगे तो A अपॉन A माइनस H अपॉन A, नाउ हियर 1 A कैंसल 1 टाइम हो जाएगा K अपॉन B इक्वल 1 माइनस H अपॉन A, H प्लस A पक्षांतर करने पर H अपॉन A प्लस K अपॉन B इक्वल 1। ये बिंदु पथ, ये P बिंदु का समीकरण है, तो P बिंदु का बिंदु पथ के लिए H के स्थान पर हम X करेंगे और K के स्थान पर Y रखने पर X अपॉन A प्लस Y अपॉन B इक्वल 1, ये उस रेखा का समीकरण है जो X अक्ष को A अंतःखंड काटती है और Y अक्ष को B अंतःखंड काटती है। ये जो समीकरण है उस रेखा का समीकरण है जो X अक्ष को A अंतःखंड काटती है और Y अक्ष को B अंतःखंड काटती है। इस प्रकार हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात हुआ जो अक्षों को दिए हुए अंतःखंड AB काटती है। अब हम इस से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-2 से होकर जाती है, 1-2 से होकर जाती है तथा
दोनों अक्षों से ऐसे अंतःकरण कहती जिनकी लंबाइयों का योग 6 हो, जिनकी अंतःखंड के लंबाइयों का योग 6 हो, अंतःखंडों की लंबाइयों का योग 6 हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा अक्षों को उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जहां पर अंतःखंडों की लंबाइयों का योग 6 है। इसके लिए भी हम रेखा चित्र बनाएंगे। एक रेखा है ये x अक्ष, दिस इज y अक्ष, x डिश y डिश ओरिजिन, ये AB एक रेखा जो बिंदु से होकर जा रही है। x अक्ष को यदि मान ले हम, जहां पर एक बिंदु 1, 2 दिया हुआ है, इस बिंदु से होकर जाती है और ऐसे अक्षों पर काट रहे हैं जिनकी इनका और इनका योग कितना हो, 6 हो। O से A और O से B के लंबाई का योग कितना हो, 6 हो। हल, माना कि वह रेखा AB है जो बिंदु 1, 2 से होकर जाती है तथा माना कि x अक्ष को a अंतःखंड काटती है, अतः y अक्ष को a माइनस 6 अंतःखंड काटेगी। यहां पर कितना अंतःखंड काट रहा है ये a, तो प्रश्नानुसार ये कितना काटेगी, a माइनस 6। अतः समीकरण से, उस रेखा का समीकरण जो दिए हुए अक्षों को अंतःखंड काटती है, समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1 से a और b का मान रखेंगे, a का मान 6 है, b का मान a माइनस 6। तो x अपॉन a धन y अपॉन 6 माइनस a इक्वल 1, हमारा समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गया। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा a 6 माइनस a, x 6 माइनस a प्लस ए वाई इक्वल 1। दिस इक्वेशन इज x 6 माइनस a प्लस ए वाई इक्वल a 6 माइनस a। विच इंप्लाइज दैट 6
6 माइनस ए प्लस ए वाई माइनस ए 6 माइनस ए इक्वल जीरो। यह रेखा का समीकरण है जो बिंदु 1, 2 से जाती है, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरण में रखने पर 1 इंटू 6 माइनस ए प्लस 2 ए माइनस ए 6 माइनस ए इक्वल जीरो, विच इंप्लाइज दैट 6 माइनस ए प्लस 2a माइनस 6a प्लस a स्क्वायर इक्वल जीरो। समीकरण को घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, a के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर ए स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 6 और 6 कितना हुआ 7a, 7 7a में 2a माइनस होगा कितना बचेगा 5a और 6 इक्वल जीरो। ये हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल जीरो। तो बोथ द साइड नाउ टेकिंग a माइनस 2, हियर इज a माइनस 2, नाउ दिस इज 3 इक्वल जीरो, देन a माइनस 2 वन टाइम एंड अदर हैंड a माइनस 3 इक्वल जीरो। तो हमें ए के दो मान प्राप्त हुए, हमें ए के दो मान प्राप्त हुए, ए इक्वल टू ए इक्वल थ्री। ए और थ्री का मान, समीकरण 6 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए 6 माइनस ए में रखने पर, हम ए और टू का मान रखेंगे, पहले ए इक्वल टू का मान रखने पर ए इक्वल टू का मान रखने पर सिक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू आई इक्वल टू 6 माइनस 2 2x सॉरी 2 आएगा 2 विच इंप्लाइज दैट 4x प्लस 2y इक्वल 8। हमें यहां से इसको 2 कॉमन ले लेंगे, 4x 2x प्लस y इक्वल 8। नाउ दिस इज कैंसल 4 टाइम इक्वेशन 2x प्लस 4 इक्वल
4, ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया हमको। अब a इक्वल 3 का मान इस समीकरण में रखेंगे, a इक्वल 3 का मान समीकरण में रखने पर में समीकरण में रखने पर सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री वाई इक्वल थ्री इंटू सिक्स माइनस थ्री, विच इंप्लाइज दैट थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल नाइन। When taking common 3, then x plus y equal 9, this is 3 times, then x plus y equal 3, तो ये दूसरा रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार उस रेखा का समीकरण जो दिए हुए अक्षों को अंतःखंड काटती है और x अक्ष से कोण बनाती हुई से संबंधित प्रश्न था। बाकी कल लंब रूप रेखा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। छात्रों, आज हमने सवाल हल किया है, उसमें चित्र जो बनाया था उसमें कुछ त्रुटि है। प्रश्न है जो हम प्रश्न लिख लेते हैं, उस प्रश्न बनाते समय चित्र में कुछ त्रुटि हो गई है, उसको हम सुधारेंगे। उस प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से जो बिंदु एक दो से होकर जाती है और दोनों अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटती है जिनकी लंबाइयां का योग 6 है। 6 इस प्रश्न में हमने चित्र बनाते समय त्रुटि हो गई थी, इसके लिए हमने माना था x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु। हमने माना था कि जो सरल रेखा गुजरती है या होकर जाती है अक्षों पर, वहाँ x अक्ष पर
ए हमने माना था, ए ए अंतःखंड काट रही है एक्स अक्ष पर, तो चूंकि लंबाइयों का योग 6 था तो हमने यहाँ पे त्रुटिवश इसको ए माइनस 6 लिखा था, ये लेंथ को ए बी जो काटती है अंतःखंड उसको हमने ए माइनस 6 लिखा था। यहाँ पर ए माइनस 6 ना होकर ये होगा 6 माइनस ए होगा, 6 माइनस ए, यहाँ पर ए माइनस 6 ना होकर ये हो जाएगा 6 माइनस ए होगा। इस प्रकार हमारा समीकरण x प्लस ए y 6 माइनस ए इक्वल ए। इस चित्र में जो हमने चित्र बनाया था उसमें त्रुटि था, इसमें सुधार हमने किया है कि जब रेखा अक्षों से गुजरती है और अक्षों पर जो काटे गए अंतःखंड की लंबाई का योग 6 है, तो चूंकि हमने x अक्ष को हमने ए अंतःखंड काटती हुई माना था, तो निश्चित है कि y अक्ष को OB की लंबाई 6 माइनस ए होगी। ये हमने सुधार किया है, तो a माइनस 6 की जगह 6 माइनस ए होगा।